हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम, रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल सरफेसेस। रिफ्रैक्शन को स्टडी करना है हमें किसमें, स्फेरिकल सरफेसेस में। तो इसमें जो हमारे पास सबसे पहला जो आता है वो क्या आता है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर फॉर द कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। देखो, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस की बात कर रहा है और रिफ्रैक्शन की बात कर रहा है। अगर आपको याद हो, जब मैंने मिरर्स आपको कराए थे, मिरर कैसा होता है, अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें तो किस तरीके का मिरर होता है कन्वेक्स, इस तरीके का ये शेप आती है और यहाँ पर ये क्या कर देते हो, आप इसको पॉलिश कर देते हो, ठीक है। और कनकेव कैसा होता है, ये ऐसा केव टाइप स्ट्रक्चर होता है, समझ रहे हो, और यहाँ ये आप पॉलिश कर देते हो, ठीक। लेकिन ये मिरर्स में तो क्या होती थी, रिफ्लेक्शन होती थी, रे आती थी और रिफ्लेक्ट बैक हो जाती थी, यहाँ है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन किस में होती है, आपने क्लास टेंथ में पढ़ा होगा, लेंसेज में होती है, ठीक है। तो जैसे मैं इसमें अब स्फेरिकल सरफेस बनाऊंगा, ठीक है, वो किस तरीके से बनाऊंगा ये देखो जरा। कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है तो कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस बनाते हैं, कन्वेक्स हमें पता है बनता ऐसे है, ठीक है, लेकिन इसमें पॉलिशिंग कुछ नहीं होगी आपके पास, ये आपके पास कन्वेक्स हो गया, समझ रहे हो, ये कन्वेक्स पार्ट बना दिया हमने और ये पूरा का पूरा ही क्या है, सरफेस हमने मान लिया, ठीक है। क्यों, देखो अगर लेंस होता, लेंस नॉर्मली इस तरीके से बनता, ठीक है ना, लेकिन हम यहाँ सिर्फ क्या बात करना चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा कैसा है, स्फेरिकल सरफेस ले लिया हमने, इसमें हम स्टडी करना चाहते हैं पूरा, ये पूरा डेंसर मीडियम है, ठीक है। देखो अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगी कहानी की मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो ये वाला क्या हो गया हमारे पास, यहाँ इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ये, ठीक, ये क्या हो गया इसका पोल हो गया, क्या इतनी बात क्लियर। अब इसमें हम क्या कह रहे हैं कि ये वाला क्या है, रेयरर मीडियम है, ये वाला कैसा मीडियम हो गया आपके पास, रेयरर, और ये वाला कैसा है इधर आपके पास, ये डेंसर है, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू मान लो और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन मान लो, क्या इतनी बात क्लियर है। ऑब्वियसली बात है ये स्फेरिकल सरफेस है आपका कन्वेक्स वाला, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम तो है क्योंकि तभी रिफ्रैक्शन होगी, ठीक है, मिरर तो है नहीं, अब जैसा लेंसेज में होता वैसा कुछ है, लेकिन लेंस हमारा मैंने आपको बताया इस तरीके से बनते थे, लेकिन ये पूरा का पूरा क्या है हमारे पास, ये स्फेरिकल सरफेस हमने कंसीडर कर लिया, ये पूरा का पूरा क्या है, अब ये डेंसर है, क्या इतनी बात क्लियर है। लेंसेज भी आएंगे वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम ये स्फेरिकल सरफेसेस की बात करेंगे कि रिफ्रैक्शन कैसे होगी स्फेरिकल सरफेस में, ठीक है ना, ये स्फेरिकल है लेकिन ये पूरा का पूरा क्या है आपके पास, ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो देखो इसकी स्टडी के लिए हम क्या करें, सबसे पहले यहाँ पर क्या करें, हम एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट से लाइट जाएगी। देखो क्या क्यों जाएगी ऑब्जेक्ट से लाइट, क्योंकि उसने बोला है रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, तो रेयरर टू डेंसर जानी है। तो देखो जरा मान लीजिए ये गई आपके पास रे, ठीक है, रेयरर टू डेंसर गई। अब हमें पता है जब भी रिफ्रैक्शन होनी है तो क्या होगा, नॉर्मल भी होगी। देखो नॉर्मल रिफ्रैक्शन कैसे होती है, अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊँ इस तरीके से होती थी, ये रे आई और फिर यहाँ पर ये नॉर्मल डलता था, ठीक है ना, अगर ये रेयरर है और ये डेंसर है तो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल इस तरीके से जाती थी। तो यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल तो करनी है, लेकिन किस साइड होगी, क्योंकि हमें इसमें नॉर्मल पता होना चाहिए पहले। तो नॉर्मल कैसे बनते हैं, देखो अगर आपको याद हो, ये जैसे हमारा एक स्फेरिकल सरफेस बनेगा तो इसका सेंटर भी होगा, तो मान लो ये इसका सेंटर है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये सारे क्या बनेंगे, नॉर्मल बनेंगे। क्यों पढ़ते हैं ये नॉर्मल इस तरीके से, देखो अगर मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँ, ये मैं पहले भी बताया आपको, जैसे मान लो ये स्फेरिकल सरफेस ऐसा होगा, ऐसा पूरा का पूरा, ठीक है, उसी में से ये पार्ट इस तरीके से कटते थे, ठीक है, तो इस पूरे स्फेरिकल सरफेस का कोई सेंटर होगा या नहीं होगा, और ये सेंटर है अगर, तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर कोई भी ये लाइन जा रही है, ये क्या होगी सेंटर से रेडियस, और रेडियस हमेशा इस पर कितने डिग्री पे फॉल होगी, 90 डिग्री पे, ये आपको पता होगी, कहीं पर भी आप फॉल करा लो ये सब कितने पे होंगे, 90 डिग्री पे होंगे, तो 90 डिग्री वाला ही नॉर्मल होता है। यहाँ पर देख लो ये नॉर्मल बनाया, ये इस इंटरफेस के साथ क्या था, 90 डिग्री पे था, तो ये अब इंटरफेस हो गया एक तरह से रेयर और डेंसर मीडियम के बीच में जो कि सेपरेशन दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा, तो नॉर्मल कहाँ से बनेगा, सेंटर से, समझ रहे हो, पता चल गया कैसे बनना है नॉर्मल, तो यहाँ से हम एक नॉर्मल बनाएंगे, क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है, इस तरीके से आप ये एक नॉर्मल यहाँ पर बना दोगे, क्या इतनी बात क्लियर। अब आपको नॉर्मल पता चल गया है अगर, तो ऑब्वियस सी बात है नॉर्मल के साथ इंसिडेंट वाली कौन सा एंगल बनाएंगे, ये इंसिडेंट एंगल, और रेयरर टू डेंसर जा रही है तो बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, तो टूवर्ड द नॉर्मल में किस तरीके जाएगी, ये रे नॉर्मल की तरफ आ जाएगी, क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, और ये क्या बन गई इसकी इमेज यहाँ पर ऑब्जेक्ट की, क्या समझ में आ रही है कहानी या नहीं। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये वाला बन जाएगा इसमें, तो ये मैं आर इस तरीके से लिख देता हूँ, क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। अब इसमें देखो तीन एंगल जो हमें बनाने हैं, ऑब्जेक्ट पे, इमेज पे, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो वो कौन से होंगे, देखो ऑब्जेक्ट के साथ अल्फा बनाना है, इमेज के साथ ये वाला बीटा, और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये वाले के साथ आपको गामा बनाना है, तो गामा ऐसे बनता है इस तरह का आर, तभी मैंने यहाँ पर जो रिफ्रैक्टेड एंगल है ये वाला आर ऐसे डाला है और ये गामा ऐसे डाला है, क्योंकि अगर मैं इधर भी आर ऐसा डाल देता तो आपको पता ना चलता, तो ये वाला आर रिफ्रैक्शन के लिए है और ये वाला जो है ये गामा है, क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बता दो ज़रा, ठीक है।
और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ये हो गया ए पॉइंट। कितनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, यहाँ पर जो इमेज बन रही है ये कहाँ बन रही है आपके पास? उसी डेंसर मीडियम में ही बन रही है। लेकिन अगर एक लेंस की बात करते हैं तो लेंस में क्या होता, जो इमेज बनती है वो कहाँ, बाहर आके कहीं बनती है इस तरीके से, ठीक है ना? ऑब्वियसली बात है, जैसे आपने लेंस लगाया हुआ है, ठीक है, मतलब स्पेक्स पहना हुआ है, तो इमेज कहाँ बनती है आपके पास? आइज में बनती हैं, ठीक है, लेंस में तो नहीं बनती। लेकिन ये स्फेरिकल सरफेस की स्टडी कर रहे हैं हम, यहाँ पर स्फेरिकल सरफेस के अंदर ही इमेज बन रही है। बताओ समझ में आ रही है कहानी या नहीं, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको? क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब देखो जरा, इसमें हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे इस ओ आई पे ए से, ठीक है? तो ये हम एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं इस तरीके से, इसको हम नाम देते हैं एम। इसको बताऊंगा मैं क्यों हमने ये परपेंडिकुलर डाला है, इसका कारण क्या है, ठीक है? और आपको पता है सभी जो डिस्टेंसेज होते हैं वो सब हम कहाँ से लेते हैं? पोल से लेते हैं, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से कितना हो जाएगा बताओ जरा? यू कंसीडर करेंगे, और पोल से ही आपका इमेज का डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा बताओ? वी, वी बोलते हैं हम इमेज के डिस्टेंस को। और ये जो है आपके पास पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला जो पॉइंट है, इसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। कितनी बात है क्लियर? आर से हम लिख देंगे। बताओ ये डायग्राम समझ में आया? नहीं, बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम है, कुछ भी नहीं है मुश्किल। मेन बस ये आपको ध्यान रखना था नॉर्मल कैसे बनाना है और बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल करना है, क्योंकि रेयर टू डेंसर जा रही है, क्लियर? और तो कुछ भी नहीं है। ये आई है, ये आई याद रखना है आपको, नॉर्मल के साथ बनेगा इंसिडेंट रे का, और रिफ्रेक्टेड एंगल रिफ्रेक्टेड रे, और जो आपके पास नॉर्मल है उसके साथ बनेगा हमेशा, क्लियर? और अल्फा बीटा गामा याद रखना है, अल्फा ऑब्जेक्ट के साथ, बीटा इमेज के साथ, और गामा सेंटर के साथ। बताओ इसमें कोई परेशानी है तो बताओ? कोई परेशानी नहीं है, ठीक है? अब देखो जरा, अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो देखो, अब ध्यान से डेरिवेशन को समझना। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं ए पे। तो यहाँ लिखते हैं हम अप्लाई स्नेल्स लॉ एट ए, ए पर अब स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, देखो क्या होगा। यहाँ से रे जा रही है ना, ठीक है, तो मीडियम में इसमें से जा रही है, तो यानी कि यह आएगा म्यू वन, आता है ना स्नेल्स लॉ अप्लाई करना, म्यू वन, और यहाँ आ जाएगा क्या, साइन आई इक्वल टू में इधर जा रहा है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू टू, और एंगल है आर, तो ये साइन आर। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? अब इसमें जो मेन बात आपको ध्यान में रखनी है क्या, कि जो स्मॉल एंगल्स होते हैं यहाँ पर, जो ये आई है ना, जो ये आई और आर, ये कैसे एंगल्स हैं? स्मॉल हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल एंगल्स हैं, ठीक है? तो इसके लिए हम यहाँ लिखते हैं फोर स्मॉल एंगल्स, बहुत छोटे हैं ये, ठीक है? जो साइन आई है आपके पास, ये किसके इक्वल हो जाता है? आई के इक्वल हो जाता है। और साइन आर जो है, इस तरीके से लिखेंगे हम इसमें ये आर, ये किसके इक्वल हो जाएगा? आर के इक्वल हो जाएगा। क्यों? देखो इसमें मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ कि अगर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो चले तो साइन थीटा अपॉन में थीटा इक्वल टू वन हो जाता है। इसका मतलब क्या है, अगर स्मॉल एंगल्स हों तो साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू वन, इसका मतलब क्या हो गया, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? तो यहाँ पर अगर थीटा की जगह आई होता तो साइन आई इक्वल टू आई, वही लिखा हमने, साइन आर इक्वल टू में आर, ये थीटा इधर वन से मल्टीप्लाई हुआ, इस तरीके से लिखा है हमने। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो मतलब क्या है, स्मॉल एंगल्स हैं अगर वो, तो साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू वन, और साइन थीटा इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, थीटा इंटू वन थीटा। तो ऐसे मैं कह रहा हूँ यहाँ आई हो या आर हो तो उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर साइन आई इक्वल टू आई और साइन आर इक्वल टू आर, इस तरीके से आ सकता है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? समझ में आया स्मॉल एंगल्स के लिए हम कैसे लिख रहे हैं, साइन आई को आई और साइन आर को आर। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? मैं यहाँ पर छोटी सी और एक बात बताता हूँ, यही सेम चीज़ आपके पास अप्लाई होती है टेन के लिए भी। तो देखो लिमिट जो थीटा अप्रोचेस टू जीरो होगी वो सेम टेन थीटा बाय थीटा इक्वल टू वन हो जाती है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपके पास, टेन थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगा। समझ रहे हो इतनी कहानी? ठीक है, अभी मैं बताऊँगा इसको ऐसे क्यों लिखा है और क्या यूज़ होने वाला है इसका, ठीक? ये इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है अलग से। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? अब अगर ये आपको पता चल गया साइन आई इक्वल टू आई है और साइन आर इक्वल टू आर है, देखो इसमें आपको ये डेरिवेशन अगर अच्छे से समझ में आ गई तो इसी के ही आपके पास पांच केसेस हैं, ठीक है? रेयरर टू डेंसर कन्वेक्स में, फिर डेंसर टू रेयरर भी चलेगा कन्वेक्स में, ठीक है, फिर कनकेव के भी ऐसे ही केसेस आएंगे। तो मतलब टोटल करके फाइव डेरिवेशंस हैं आपके पास स्फेरिकल सरफेसेस वाली। तो ये फाइव डेरिवेशंस में अगर ये वाली समझ में आ गई तो सारी आ गई बस समझ में, ये समझ के चलो आप कहानी। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर हमें पता है साइन आई इक्वल टू आई हो गया तो ये वाली इक्वेशन देखो क्या बन जाएगी यहाँ पर, देयर फॉर म्यू वन साइन आई की जगह आई इक्वल टू में म्यू टू, और ये क्या आ जाएगा आपके पास आर, साइन आर को हम क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? अब इसको मान लो आप इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, इसमें आई और आर की वैल्यू चाहिए,
किसकी वैल्यू चाहिए, आई और आर की वैल्यू। अब देखो आई और आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो यहाँ से ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करो, ट्रायंगल OAC, देखो इन ट्रायंगल OAC, OAC में देखो जरा, OAC जो ट्रायंगल है इसमें देखो ये एंगल अंदर बन रहा है अल्फा और एक बन रहा है गामा वाला एंगल, और इस ट्रायंगल में बाहर वाला जो एंगल है ये वाला देखो जरा, ये बाहर वाला में ये लाइन जा रही है ना इसकी सी वाली ऐसे और ये वाली इसकी, ठीक है, तो ये बाहर वाला एंगल ये वाला मानेंगे हम, समझ रहे हो। तो ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपको पता है क्या होती है ट्रायंगल में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर समझाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर देखो जैसे ये एक ट्रायंगल है क्लियर, और एक एंगल ये है इसमें और एक एंगल ये है, ठीक है, और ये लाइन बाहर, और यहाँ पर ये वाला जो एंगल है जैसे मान लो ये वन एंगल, ये टू एंगल और ये थ्री एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अंदर के जो दो इंटीरियर एंगल है उनका सम किसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा, मतलब एंगल वन प्लस में एंगल टू इक्वल टू में क्या हो जाएगा, एंगल थ्री हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर भी वही चीज़ करनी है, ये दो इंटीरियर एंगल हैं और ये वाला क्या है एक्सटीरियर, तो इसका मतलब यहाँ से हमें पता चल गया कि एंगल आई इज इक्वल टू में किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा प्लस में गामा के इक्वल हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। सिमिलरली ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करो आई ए सी, यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे, ये देखो ये आर है यहाँ पर, तो आई ए सी वाला ट्रायंगल कंसीडर करो, यहाँ लिखते हैं हम इन ट्रायंगल आई ए सी, यहाँ पर देखो एक्सटीरियर कौन सा एंगल है अगर देखें इसमें, तो देखो ये वाली लाइन इसकी ट्रायंगल की ये वाली जा रही है, तो ये वाला एक्सटीरियर हो गया आपके पास कौन सा, ये गामा, और दो अंदर के इंटीरियर कौन से होंगे आर और ये बीटा, तो देखो एंगल आर प्लस में एंगल बीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया हमारे पास, ये गामा के इक्वल, दो इंटीरियर एंगल का सम किसके इक्वल, एक्सटीरियर एंगल के, और यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए एक्चुअल में आर की, तो आर की वैल्यू निकालते हैं, ये क्या आ जाएगी गामा माइनस में बीटा, बीटा इधर चला गया माइनस का और ये हो गया थर्ड इक्वेशन। बताओ समझ में आई कि नहीं बात, बहुत ही सिंपल। अब क्या करो पुट कर दो इसको, पुट सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा म्यू वन, और आई की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर हमारे पास अल्फा प्लस में गामा इक्वल टू में म्यू टू, और आर की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर हमारे पास गामा माइनस में बीटा, ये आ गई। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, समझ लो। अब देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, म्यू वन और अल्फा को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर टेन अल्फा, और गामा को लिख रहा हूँ मैं टेन गामा। सिमिलरली इधर भी म्यू टू और गामा को मैं लिख रहा हूँ टेन गामा माइनस में, और बीटा को क्या लिख रहा हूँ मैं टेन बीटा। क्या इतनी बात क्लियर है। अब इसको ऐसा क्यों लिखा देखो जरा, मैंने आपको बताया था टेन थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगा जब एंगल स्मॉल होंगे, ठीक है, तो अब ये देखो मतलब क्या हो गया यहाँ पर, tan i इक्वल टू i या फिर tan r इक्वल टू r, तो ये i और r है ही है, यहाँ भी i और r है, तो इनको मैं लिख सकता हूँ i किसके इक्वल tan i के, और r किसके इक्वल tan r के। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। तो उसी तरीके से देखो जरा, इसमें i को हम लिख सकते थे क्या tan i, ठीक है, और i की वैल्यू जो है वो क्या है आपके पास अल्फा प्लस में गामा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता था tan अल्फा प्लस में tan गामा। कितनी बात क्लियर है, वही चीज़ यहाँ पर लिखी है हमने, ठीक। तो इसको हमने टेन अल्फा टेन गामा लिखा, एक्चुअल में ये हम क्यों इस तरीके से लिखा है हमने, क्योंकि मैं यहाँ से अल्फा और गामा की वैल्यू किस तरीके से पुट कर सकता था टेन की फॉर्म में, देखो कैसे, टेंजेंट में आपको पता है टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये वाले ट्रायंगल देखो जरा ऊपर अल्फा वाला, देखो अल्फा वाला ये है, ठीक है, तो ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर सकता हूँ मैं इसमें ओ ए एम वाला, या ये ओ एम ए, और इसलिए ये ए एम परपेंडिकुलर डाला था हमने यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है ये टेन थीटा वगैरह की जो वैल्यूज होती हैं राइट एंगल ट्रायंगल में ही निकलती हैं इस तरीके से परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल ही चाहिए, तो ये वाला इसलिए डाला था हमने, समझ रहे हो। तो अल्फा है तो यानी कि टेन अल्फा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये हो गया परपेंडिकुलर ए एम, और ओ एम क्या हो गया बेस ओ एम हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है, इस तरीके से यहाँ पर हम ये वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, बड़ी सिंपल सी कहानी है, ठीक है। अब या तो इसको टेन की फॉर्म में कर दो, या फिर इसका एक और तरीका है करने का, वो क्या है देखो जरा, वैसे तो ये कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा टेन वाला, लेकिन एक और तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये पूरा का पूरा इधर ये रफ में चल रहा है काम समझाने के लिए आपको, ठीक है, तो यहाँ पर देखो जरा ये पूरा रफ में ही चल रहा है। देखो जो थीटा होता है, थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, लेंथ ऑफ एन आर्क अपॉन में रेडियस, लेंथ ऑफ एन आर्क अपॉन में रेडियस, ये कैसे देखो जरा, जैसे मान लीजिए
ये एक सर्कल है, ठीक है, और यहाँ से ये गया आपके पास, और ये है एंगल थीटा, ठीक है। तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेंथ ऑफ एन आर्क दिस, ये वाली एल, और ये वाली रेडियस इसकी, ये वाली या ये वाली, दोनों ही रेडियस है हमारे पास। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, समझ में आ रही है कहानी, ठीक। तो ये चीज़ अभी आप लिख सकते हो यहाँ, लेंथ अपॉन में रेडियस, वो कैसे, देखो ज़रा। अब अगर ये वाला ट्रायंगल आप कंसिडर कर रहे हो, ये ओ एम ए वाला, ठीक है, ओ एम ए वाला, तो ये क्या हो गया आपके पास, थीटा, अल्फा वाला थीटा, थीटा के सामने क्या होगी, लेंथ ऑफ एन आर्क दैट इज़ ए एम, और रेडियस कौन सी होगी आपके पास, ये वाली। अब इन दोनों में से कौन सी लोगे, ओ ए भी रेडियस मान सकता हूँ और ये ओ एम भी रेडियस मान सकता हूँ, तो कौन सी मानेंगे हम, ओ एम, बिकॉज ये वाले डिस्टेंसेज हमें पता है, ठीक है ना। और यहाँ पर हम कह देंगे एम अप्रोचेज टू पी, तो ये P से O का डिस्टेंस हमें पता है, समझ रहे हो, O A का नहीं पता कुछ, इसलिए नीचे वाले हम कंसीडर कर सकते हैं। बताओ इतनी कहानी ये समझ में आ रही है या नहीं, अगर ये वाले फॉर्मूले से पता चलता है तो ये ठीक है, नहीं तो ये टैन वाले से कर लेना, बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, सिंपल सी कहानी है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, जो ये आपके पास टेन थीटा होता है ये भी थीटा के इक्वल हो जाता है स्मॉल एंगल्स के लिए, तो आई किसके इक्वल हो जाएगा, टेन आई के, ऑब्वियस सी बात है, तो आई की जगह हम टेन आई लिख सकते हैं, और आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस गामा, तो ये भी टेन अल्फा प्लस में टेन गामा लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर हम टेन गामा माइनस में टेन बीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये टेन आर के इक्वल हो जाएगा ना, आर किसके इक्वल हो जाएगा, टेन आर के, और आर की वैल्यू कितनी है, गामा माइनस बीटा, तो टेन गामा माइनस टेन बीटा भी लिख सकते हैं। नहीं तो मैंने आपको ये वाले फॉर्मूले से बताया है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है, बात इतनी या नहीं, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा ईजी रहता है, और तो कुछ नहीं, दिमाग में बैठ जाती है कहानी, ठीक है। तो देखो म्यू वन और टेन अल्फा की वैल्यू देख लो अब यहाँ आपके पास डायग्राम से, देखो ये वाला अल्फा है, तो ऑब्वियस है ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे हम, ओ एम ए वाला, मैंने बताया आपको परपेंडिकुलर क्या है इसमें, ए एम, और बेस क्या हो जाएगा इसमें आपके पास, ओ एम। सिमिलरली टेन गामा, टेन गामा देखो, गामा ये है और परपेंडिकुलर के साथ इसका ट्रायंगल लेना है आपने, तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया आपके पास, सी एम ए, सी एम ए में देखो परपेंडिकुलर ए एम है, और बेस कौन सा होगा, ये वाला एम सी। कैसे पता चला हमें, एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो जो बची वो क्या होगी, बेस होगी। कितनी बात क्लियर है, तो ये क्या बन गया आपके पास, ए एम अपॉन में सी एम, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ए एम अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास, ये सी एम, या फिर हम लिख दें इसको एम सी, कुछ भी लिख दो आप, ठीक है। तो ए एम अपॉन में लिख देता हूँ मैं इसको सी एम। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, बहुत ईजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। ऐसे यहाँ पर कर दो म्यू टू, टेन गामा की वैल्यू यही रहेगी जो यहाँ पर थी आपके पास, ए एम अपॉन में क्या आ जाएगा, सी एम आ जाएगा, माइनस में टेन बीटा, टेन बीटा की वैल्यू देखो अब यहाँ पर, टेन बीटा, बीटा ये रहा, और राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है तो ये वाले परपेंडिकुलर के साथ लेंगे ट्रायंगल, कौन सा बन जाएगा ये आपके पास, आई एम ए। तो ये देखो टेन बीटा इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ए एम अपॉन में एम आई। कितनी बात क्लियर है या नहीं है, तो हम यहाँ लिख देते हैं ए एम अपॉन में एम आई, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कितनी बात क्लियर है या नहीं है, समझ में आई कहानी बताओ। अब यहाँ पर हमें पता है ये वाला जो M है वेरी क्लोज टू P है, और सारे डिस्टेंसेज हमें कहाँ से लेने होते हैं, पोल से, तो हम इसको M की जगह क्या लिख देंगे, P लिख देंगे। कितनी बात क्लियर है, समझ रहे हो, ठीक। तो यहाँ लिख देते हैं हम वेयर M इज वेरी क्लोज टू P। तो देखो होगा क्या, यहाँ पर इसमें आप एक स्टेप यहाँ ये कर सकते थे, ये ए एम बाहर निकाल लो यहाँ से, ए एम बाहर निकलेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, वन बाय ओ एम प्लस में वन बाय सी एम। सिमिलरली यहाँ से भी ए एम बाहर निकल जाएगा तो ये बचेगा वन बाय सी एम माइनस में वन बाय एम आई, तो वो ए एम से ए एम कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड का, तो मैं यहीं पर कैंसिल कर देता हूँ ये, ठीक है, इस तरीके से। ये आप समझ जाना कौन सा स्टेप है, ए एम यहाँ से बाहर लो और ए एम यहाँ से भी बाहर लो, तो ए एम से ए एम क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये मैंने ए एम इस तरीके से यहाँ पर कैंसिल कर दिया। कितनी बात क्लियर है या नहीं है। और अब M इज़ वेरी क्लोज टू P, तो ये वाले क्या हो जाएंगे डिस्टेंसेज देखना आप, ओ पी हो जाएगा, ये सी पी हो जाएगा, ये सी पी, और ये वाला पी आई हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ ये चीज़ मैं, देखो ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगी आपके पास म्यू वन, और ये बन जाएगा वन अपॉन में ओ एम की जगह क्या आ जाएगा, ओ पी आ जाएगा, और प्लस में वन अपॉन में सी एम की जगह क्या आ जाएगा, सी पी इक्वल टू में म्यू टू, और वन बाय सी एम की जगह सी पी, और माइनस में वन अपॉन में कितना आ जाएगा ये आपके पास, देखो कितना आएगा ये यहाँ पर, ये है एम आई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी आई आ जाएगा, ठीक है। ये देख लो यहाँ पर ये इक्वेशन थी नीचे, दिख रही है,
वन बाय ओ एम, ओ एम की जगह ओ पी लिख दिया, वन बाय सी एम, सी एम की जगह क्या लिख दिया मैंने सी पी, यहाँ भी सी एम की जगह सी पी, और यहाँ एम आई की जगह क्या लिख दिया मैंने पी आई। एम को बस चेंज कर दिया किससे, पी से, क्योंकि एम इज़ वेरी क्लोज टू पी और सारे डिस्टेंसेज पी से होते हैं, इसलिए हमें ये करना ही पड़ेगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। अब देखो ज़रा यहाँ से, ये हो गया देखो म्यू वन, इधर तो ये म्यू वन ही है, और अगर इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो देखो क्या होने वाला है, म्यू वन अपॉन में ओ पी प्लस में म्यू वन अपॉन में सी पी इज इक्वल टू में म्यू टू अपॉन में सी पी माइनस में म्यू टू अपॉन में पी आई, ये बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करो, इसमें ओ पी की वैल्यू देखो ज़रा, ओ पी इज दिस दैट इज़ यू, और ये लेफ्ट हैंड साइड है पोल से, तो ये माइनस का यू बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा म्यू वन अपॉन में माइनस का यू प्लस में म्यू वन, और सी पी, सी पी देखो सी पी ये है दैट इज़ आर, एंड राइट साइड आ रहा है ये, तो प्लस का आर इज इक्वल टू में म्यू टू, और सी पी अगेन क्या है प्लस का आर बनेगा इधर, माइनस में म्यू टू, और पी आई इज़ डिस्टेंस ऑफ इमेज दैट इज़ वी, वी से लिखेंगे और राइट साइड है तो ये प्लस का वी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बता दो ज़रा जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, म्यू वन अपॉन में माइनस का यू इधर है, और ये माइनस का म्यू टू बाई वी है जो, इसको इधर ले आते हैं, देखो प्लस माइनस ये माइनस ही रहेगा यहाँ पर, तो माइनस वाला इधर जाके क्या बन जाएगा प्लस का म्यू टू अपॉन में वी, एंड इक्वल टू दिस वन इज म्यू टू बाय आर, और ये वाला देखो प्लस का म्यू वन बाय जो आर है ना, इसको इधर लेके जा रहा हूँ मैंने, एक्चुअली क्या किया यू वी वाले एक साइड कर दिए और आर वाले एक साइड कर दिए, तो ये म्यू वन बाय आर इधर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा माइनस का म्यू वन बाय आर। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। इसको और मॉडिफाइड तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, देखो म्यू वन अपॉन में माइनस का यू प्लस में म्यू टू बाय वी इज इक्वल टू में वन बाय आर कॉमन ले लो यहाँ से, और ये बन जाएगा म्यू टू माइनस में म्यू वन, ये रिजल्ट आ गया आपके पास। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी यूज़ होंगी आगे, ठीक है ना, इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी इसमें पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो आप निकाल सकते हो इसमें, ये तो U की वैल्यू निकालनी होगी या V की वैल्यू निकालनी होगी या R की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। और एक लेंस मेकर्स फॉर्मूला होता है, उसमें भी इनके रिजल्ट्स का यूज़ होगा, वो आगे आगे जैसे चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये इतना समझ में आया कि नहीं, ये रिजल्ट समझ में आया, ये आपका रिजल्ट, ये आपको लर्न भी करने पड़ेंगे डायरेक्ट रिजल्ट, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ गया न्यूमेरिकल आ गया तो ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रहने चाहिए आपको, ठीक है। और जो मैं आपको बोल रहा हूँ एक लेंस मेकर्स फॉर्मूला आएगा, उसमें फिर ये डायरेक्ट आपके यूज़ भी होंगे, तो इसलिए ये लर्न भी होने चाहिए आपको, ठीक है। डेरिवेशन तो करनी ही करनी है, साथ में इनको लर्न भी करना है रिजल्ट्स को। बात क्लियर है, इतनी समझ में आई डेरिवेशन कैसे करनी है, ठीक है। और ये जो डेरिवेशन थी, ये आपके पास किसके लिए थी, रियल इमेज के लिए थी। देख लो, ये आपको पता है लेंसेज में भी आपको पता ही होगा, अगर राइट साइड जो भी इमेजेस बनती हैं वो कैसी इमेज होती हैं आपके पास, रियल इमेज होती हैं, क्योंकि इसमें आपके पास जो लाइट जो है पूरी क्रॉस होकर जाती है, ठीक है। इसमें अपीयर टू मीट कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं कैसे हम इमेजेस की बात कर रहे हैं रियल वर्चुअल, ये सब एक बार आप टेंथ वाला टॉपिक देख लेना, मैंने करवाया हुआ है क्लास टेंथ में, ठीक है। तो क्लास टेंथ का भी टॉपिक देख लेना आप, लेंसेज वाला, उसमें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये कौन सा केस था आपके पास, रियल इमेज के लिए, किसके लिए था, फॉर द रियल इमेज, क्लियर है। अब ऐसे ही हमारे पास वर्चुअल इमेज के लिए भी आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता होगा अगर कन्वेक्स के केसेस हैं, अगर आपने लेंसेज वगैरह पढ़े हैं, तो कन्वेक्स के अंदर रियल इमेज भी बनती है और वर्चुअल इमेज भी बनती है, तो इसका वर्चुअल वाला केस भी आएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।